नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक सब प्रोकास्टिनेशन, जो कि एक बहुत ही भारी भरकम अंग्रेजी का शब्द है, जो कि हमारी और हमारी सफलता के बीच में आता है, हमारे एम के बीच में आता है, हमारे सपनों के बीच में आता है और हमें रोक के रख देता है सफलता सक्सेस हासिल करने के लिए, अपने सपनों को अचीव करने के लिए। ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं बैरियर है हमारी सफलता के बीच में और हमारे बीच में। अगर प्रोक्रास्टिनेशन को मैं हिंदी में अगर इसका मतलब बताऊं तो इसका मतलब होता है टालमटोल करना, जो भी आप काम करना चाहते हैं विलंब करना, देरी करना या करना ही नहीं। तो ये जो टालमटोल, देरी या विलंब है, जिसमें कि हमारी लेजीनेस भी आ जाती है, हम लोग आलसी होते हैं, हम लोग करते ही नहीं, तो यही मेन कारण होता है हमारी और हमारी सफलता के बीच। अब इस प्रोकास्टिनेशन को या इस देरी विलंब को समझाने के लिए मैं आपको 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जिन कारण की हम लोग ये सारी चीज़ें करते हैं या हमें नहीं करनी चाहिए, और हम जो भी हासिल करना चाहते हैं वो ज़िंदगी में कभी भी कर नहीं पाते हैं। जो सबसे पहला कारण होता है वो होता है परफेक्शन का इंतज़ार करना। हम लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि मैं परफेक्ट हो जाऊँगा तब जाके मैं उस इंटरव्यू के लिए अप्लाई करूँगा, मैं परफेक्ट हो जाऊँगा तब जाके मैं कंप्यूटर पे काम करूँगा, मैं परफेक्ट हो जाऊँगा, मेरे पास कैमरा आ जाएगा, मेरे पास माइक आ जाएगा तब जाके मैं वीडियो बनाऊँगा, मेरे पास ढेर सारा पैसा आ जाएगा तब जाके मैं रेस्टोरेंट खोलूँगा, मेरे पास सारी की सारी चीज़ें हो जाएंगी तब जाके मैं लाइफ में कुछ करूँगा। तो भैया, अगर आप परफेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको लाइफ में कुछ नहीं मिलने वाला है। इतिहास गवाह है, आपको चाहे चीज़ें आपको परफेक्ट भी नहीं आती हो, पर आप उन पर लगातार काम करते रहते हैं और सीखते रहते हैं और करते रहते हैं तो आप सफल हो जाते हैं, क्योंकि परफेक्शन इस दुनिया में किसी को नहीं मिला है। परफेक्ट होने के लिए आपको समय लगता है, और उस समय भी आप ये नहीं बोल सकते हैं कि आप परफेक्ट हो गए हैं, क्योंकि हर किसी में कुछ ना कुछ गुंजाइश ज़रूर रहती है। जैसे कि मेरे खुद का डिजिटल शेफ हब प्लेटफॉर्म है, जो कि मैंने लॉन्च कर दिया है। अगर मैं भी इंतज़ार करता कि भाई मेरे पास ढेर सारा पैसा आ जाएगा तब जाके मैं वेबसाइट लॉन्च करूँगा या बिल्कुल एकदम हाई क्लास वेबसाइट बना के मैं लाऊँगा, तो मैं कभी भी नहीं कर पाता। मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, मैंने अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दी है, आप लोग भी जाके इनरोल कीजिएगा, और मैं भी सीख के उसको धीरे धीरे करके और डेवलप कर रहा हूँ। तो परफेक्शन का इंतजार नहीं करना है, सीधा आपको कूद जाना है, कूद के सीखते सीखते आपको करते रहना है। दूसरा होता है आपका डिसीजन पैरालाइज का मतलब होता है कि हम लोग कोई डिसीजन ले नहीं पाते हैं, हमारे अंदर इतनी शक्ति होती ही नहीं है कि हम कोई डिसीजन ले पाएँ, या हम कोई डिसीजन ले भी लेते हैं तो हम उस पर टिक नहीं पाते हैं। मैं डिसीजन लेता हूँ कि मैं रोज़ाना 1 घंटे किताब पढ़ूंगा, मेरा डिसीजन है, पर मैं कहीं ना कहीं शुरुआत करता हूँ पर मैं दूसरे तीसरे दिन ही थक जाता हूँ या मैं छोड़ देता हूँ, या फिर मैं डिसीज़न ले ही नहीं पाता हूँ, मुझे कुछ भी समझ है ही नहीं। तो जब अगर आप डिसीज़न भी नहीं ले पाते हो आप अपने कैरियर के लिए कि मुझे होटल में जाना है, रेस्टोरेंट में जॉब करनी है, मुझे विदेश जाना है, मुझे जापान में जाना है, अमेरिका में जाना है, हम लोग डिसीज़न ही नहीं ले पाते हैं मेरे लिए क्या सही है गलत है, तो हम लोग कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि अगर आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। इसके बाद जो तीसरा बैरियर वो होता है हमारा, आपको टाइम की वैल्यू मालूम नहीं होती है, आपको समय की कीमत मालूम नहीं होती है। सबसे महत्वपूर्ण इस दुनिया में समय ही है, समय बिल्कुल ही बहुमूल्य है, उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती है। हम लोग घंटों लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, यूट्यूब देखते रहते हैं, और हमें लगता है कि हम इस काम को कल कर लेंगे, इस काम को शाम को कर लेंगे, अभी कल भी आएगा, परसों भी आएगा, और आप देखेंगे पूरे हफ्ते, महीने, साल, और आप 40 साल के हो जाते हैं और आप देखते हैं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। फिर जाके आप बोलते हो कि मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मैंने तो दिन रात एक कर दिए थे, पर दिन रात एक किस चीज़ में किया था, टाइम का दुरुपयोग करने में या टाइम को वेस्ट करने। कोरोना का समय, अगर आप घर पे भी बैठे हैं तो इंटरनेट आपके पास फ्री है, जाके चीज़ें सीखिए, ज़िंदगी में अप्लाई कीजिए, सिर्फ प्रोकास्टिनेशन के जाल में मत फंस जाइएगा, अपने समय का सही उपयोग कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारी लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होता है, हम किसी भी प्रकार का टाइम टेबल या शेड्यूल का यूज़ नहीं करते हैं, हम एक नॉर्मल कॉमन इंसान की तरह जीते रहते हैं, जब दिल कर गया खाना खा लिया, जब दिल कर गया कुछ काम कर लिया। अब प्रॉपर एक शेड्यूल बनाइए अपने लिए कि इतने घंटे मुझे एक्सरसाइज करनी है, इतने घंटे अपने दिमाग पे काम करना, इतना प्रैक्टिकल काम करना है, इतना थ्योरेटिकल काम करना है, आप देखेंगे कि आपको भी रिजल्ट्स आने लग गए हैं और आप अपनी लाइफ में सफल होने लग गए हैं।
आप देखेंगे मैं लगभग एक साल से वीडियोस बना रहा हूँ, तो मैं इसलिए ही बना पा रहा हूँ क्योंकि मैंने सारी की सारी चीज़ें मैं शेड्यूल करके रखता हूँ, मैं बिल्कुल डिसिप्लिन रहता हूँ। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको मालूम है कि अगर मैंने 11 बजे का टाइम दिया है तो मैं 11 बजे ही उनसे कनेक्ट करूँगा, या फिर जो भी मैंने उनको समय दिया है मैं उनको समय पर पूरा करके दूंगा। तो ये चीज़ें भी होती हैं तो जो कि आपकी एक सफलता के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती हैं। सबसे लास्ट में इधर आता है कि नो इन्वेस्टमेंट ऑन आवर सेल्फ। हम लोग अपने ऊपर बिल्कुल भी खर्च नहीं करते हैं, हम लोग जितना भी पैसा खर्च करते हैं अपने पेट के लिए कर लेते हैं, खाने पीने के लिए कर लेते हैं, पर जो ऊपरी जो दिमाग है उसके लिए ऊपर कभी नहीं करते हैं हम लोग कभी भी माफ़ कीजिए, हम लोग कभी भी सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं करते हैं, अपने अंदर जो भी नई लर्निंग्स लानी उनके ऊपर कभी काम नहीं करते हैं। हमें जो लगता है कि जो चीज़ें हो रही हैं सीखनी है तो सीख जाएंगे, पर सीखने की इच्छा नहीं रखते हैं। हमें डर लगता है कि एक किताब खरीद लूँगा तो मेरे 200 रुपये या 250 रुपये चले जाएंगे, मेरे 20,000 रुपये चले जाएंगे, 50,000 रुपये चले जाएंगे, पर वहीं जब आप अपने ऊपर उन चीज़ों को इन्वेस्ट करते हैं और उनका सही ढंग से यूटिलाइज़ करते हैं तो आप बहुत आगे आगे बढ़ जाते हैं। ये चारों चीज़ें या ये पांचों चीज़ें मैंने आपको समझाई जो प्रोक्रास्टिनेशन का कारण होती है। अगर आप इन चीज़ों से ऊपर निकल पाएंगे तो जो भी आप अपना सपना देख रहे हैं, जो भी अपने ड्रीम्स देख रहे हैं, उन सबको आप लोग ज़रूर हासिल कर पाएंगे। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, आप मुझे इनसे लिख भेज सकते हैं, या फिर मेरे डिजिटल शेफ हब के प्लेटफॉर्म पर भी आके आप एनरोल कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।